हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं इस ऑप्शंस के ज़रिए। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन में इस नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से फ़ोन आइकन्स पे जाना होगा। फ़ोन आइकन सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन होते ही आपके पास में ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक करते ही हमारी कॉलिंग सेटिंग से ओपन हो जाती है। तो जो भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है उसको आप कैसे इनेबल या ऑन कर सकते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। और जब आप इसको इनेबल या ऑन कर देते हैं तो जो भी आपकी नोटिफिकेशंस की लाइट है आपके फ़ोन में शो करेगी। सिंपली कोई भी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आता है तो जो लाइटिंग है नोटिफिकेशंस में ब्लिंक कर जाएगी, और सिंपली इसको ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी लाइटिंग आपके नोटिफिकेशंस में शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की कॉलिंग सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। और आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटो पे ऑन कर पाएंगे। और सिंपली माई वीडियो शो या तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में करना चाहें या ब्लैक लिस्ट से हटाना चाहें तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और नोटिफिकेशन लाइट को भी ऑन ऑफ करके आप यूज़ कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो